गुड गवर्नेंस, मैं मानता हूं कि डेवलपमेंट प्लस गुड गवर्नेंस तभी जाकर के जनता जनार्दन के एस्पिरेशंस पूरे होते हैं। सिर्फ डेवलपमेंट से एस्पिरेशंस पूरे नहीं होते हैं, सिर्फ गुड गवर्नेंस से भी नहीं होते हैं। डेवलपमेंट एंड गुड गवर्नेंस दोनों का कॉम्बिनेशन होता है, तब जन सामान्य को समाधान होता है। बस अड्डा बनाऊं, बस स्टेशन अच्छा बनाऊं, वो डेवलपमेंट हुआ, लेकिन बस समय पर आए, बस में साफ सफाई हो, ड्राइवर कंडक्टर का व्यवहार ठीक हो, ये गुड गवर्नेंस होता है। तब सामान्य व्यक्ति को संतोष मिलता है, उसको समाधान मिलता है। हाँ, ये मेरी सरकार, ये मेरा देश है, ये मेरी संपत्ति है। इस सरकार का लगातार भाव यही है कि जन भागीदारी को बल मिले, जन शक्ति को बल मिले, और जन शक्ति के भरोसे देश को आगे बढ़ाने का प्रयास हो, और ये अनुभव आ रहा है। देश की जनता जनार्दन को जिस काम पे जुड़ने के लिए, आपने देखा होगा, दो साल पहले जब हमारी सरकार बनी तो टीवी पर एक ही खबर आती रहती थी कि दाल महंगी है, दाल महंगी है, मोदी बताओ दाल के दाम क्यों कम नहीं हो रहे। जहां भी जाओ बस यही बात है। अब दाल के भाव इतने कम हो गए कोई पूछता ही नहीं है। कैसे हो गया? लेकिन देश के किसानों से मैंने प्रार्थना की कि आप पल्सिस की खेती को भी बल दीजिए, और पल्सिस की खेती के लिए एक्स्ट्रा कुछ करना नहीं पड़ता है, फसल के बीज के अंदर उसको बोया जा सकता है, एक्स्ट्रा इनकम होती है, और मेरे देश के किसानों ने वो करके दिखाया, विपुल मात्रा में पल्सिस का उत्पादन किया, तो आज थाली सस्ती हो गई। मध्यम वर्ग के परिवार में पल्सिस अगर ज्यादा खाता है तो प्रोटीन भी ज्यादा मिलता है, तो शरीर की शक्ति भी बढ़ती है, शरीर की काफी रिक्वायरमेंट पूरी होती है। कहने का तात्पर्य यह है कि सरकारी प्रयत्नों से ज्यादा जन सामान्य का सामर्थ्य ये बहुत बड़ा रोल प्ले करता है।